कराची के इलाके किमाड़ी में मुबैना तौर पर सोयाबीन आलूदगी से हलाकतों का मामला। जांबहक खातून का बेटा इंसाफ के हसूल के लिए अदालत पहुंच गया। बहरी जहाज अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। किमाड़ी के रिहायशी मुतासरा शहरी साजिद खान की दरख्वास्त पर अदालत ने SHO जैक्सन से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 16 फरवरी को वो काम पर था कि घर से अम्मी की तबीयत खराब होने की कॉल आई। वो फौरी तौर पर घर पहुंचा और वालिदा को लेकर निजी अस्पताल गया। साजिद खान के मुताबिक अस्पताल के अमले ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। तजवीज़ो तकसीम के बाद इन्हें अब असल सूरत हाल मालूम हुई कि ये आलूदगी कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज हरक्यूलिस से सोयाबीन उतारने से पैदा हुई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सोयाबीन की जहरीली डस्ट हवा में शामिल होकर इतराफ के इलाके को मुतासिर करती रही। मेरी वालदा की मौत इसी जहरीली आलूदगी के सबब हुई। दरख्वास्त गुजार ने जहाज के अमले के खिलाफ गफलत, लापरवाही और अपनी वालदा की मौत का सबब बनने का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की। अदालत ने SHO जैक्सन से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया है।